दोस्तों, आपने कई बार अपने दिल की धड़कन सुनी होगी, जानवरों के दिल की धड़कन भी सुनी होगी, मगर क्या आपने कभी ज़मीन की धड़कने की आवाज़ सुनी है? जी हाँ, ये बात काफ़ी पुरेसरार है मगर सच है। पर अगर ये सच है तो क्या ज़मीन का दिल भी है? जी हाँ, साइंसदानों ने एक बहुत ही मिस्टीरियस साउंड रिकॉर्ड किया है जो कि उन्हें सोचने पर मजबूर किए हुए है कि ज़मीन का दिल भी है। वो साउंड आप भी सुने। की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है और ये ह्यूमन बिहेवियर पर भी असरअंदाज होती है। इस साउंड ने साइंसदानों के दिमाग को चकरा के रख दिए हैं और अब वो ज़मीन का दिल ढूंढने में लगे हैं। मगर मुसलमानों के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ में हमें पहले ही इस तरफ वाज़ह निशानियाँ बताई गई हैं। आप भी सुने। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, फतावा रज़विया जिल 27 सफहा 95 पर दर्ज है एक हदीस पाक का कुछ यूं तर्जुमा है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन मखलूकात में सबसे पहले कलम पैदा किया, उससे कहा लिखो। उसने अर्ज की, क्या लिखूं? इरशाद हुआ, तकदीर को लिखो। चुनाचे कलम में वो सब कुछ लिखा जो कयामत तक होने वाला है। फिर उस किताब को लपेट दिया गया और कलम को उठा लिया गया। अर्श इलाही पानी पर था, पानी से बुखारात यानी भाप उठी, उससे आसमान जुदा जुदा बनाए गए। फिर मौला अज़्ज़ा वजल ने मछली पैदा की, उस पर जमीन बिछाई, जमीन पुश्ते माही यानी मछली की पीठ पर है, यानी मछली की पीठ पर है। मछली तड़पी, जमीन झोंके लेने लगी, उस पर पहाड़ जमाकर बोझल कर दी गई। जी हाँ, हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक हमारी ये जमीन जो है एक बहुत बड़ी मछली की पीठ पर है। तो अब हो सकता है कि ये दिल के धड़कने की आवाज भी उसी मछली के दिल के धड़कने की आवाज हो। आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।